अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बाबर और आप देख रहे हैं क्रेजी टीवी। मेरे चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको खुद से मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रोडीज़ रियलिटी शो में पैदा होने वाली एक कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, एमटीवी पर एक शो आता है जिसका नाम है रोडीज, जो कि एक बहुत बड़ा डेयर शो है। आप कह सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा शो कहा जाता है रोडीज को। आजकल इस शो का 11वां सीजन चल रहा है। इस शो में कंटेस्टेंट के साथ साथ तीन जजेस भी होते हैं, जिनमें सबसे पहले रण विजय, जो कि पहले सीजन से इसके होस्ट हैं, और साथ में आयुष्मान खुराना, सोनम कपूर और नेहा धुपिया और अखिल भी इसके होस्ट रह चुके हैं। दोस्तों, नेहा धुपिया दूसरे सीजन से लेकर अभी तक इस शो की जज हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज़ की अदाकार रह चुकी हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रोवर्सी कैसे पैदा हुई और क्या हुआ। दोस्तों, कॉन्ट्रोवर्सी कुछ यूं शुरू हुई। उस डेयर शो में एक कंटेस्टेंट है जिनका नाम था विकास। विकास का डेयर हो रहा था तो उसी दौरान नेहा धुपिया ने विकास से पूछा कि आपके साथ लाइफ में सबसे बड़ी ट्रेजिडी क्या हुई है, अगर कोई हुई है तो आप मुझे बताएं। तो विकास ने बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था तनिया। वो उसके साथ 4 साल से ज़्यादा अरसे रहा और उसके लिए उसने बहुत पैसा लगाया और सब कुछ खर्च किया उस पर। एक दिन उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड के 5 और बॉयफ्रेंड्स हैं। उस दिन जब वो मिलने आई तो विकास ने उसे थप्पड़ दे मारा। दोस्तों, ये कहना ही था कि नेहा धुपिया आग बगोला हो गई। हाउ डेयर यू, तुमने हिम्मत कैसे की किसी पर हाथ उठाने की। उसको राइट है, उसकी मर्जी है, वो 10 बॉयफ्रेंड रखे या 20 बॉयफ्रेंड बनाए। नेहा धुपिया ने अपने मुंह से इंतहाई गलत अल्फाज अदा किए और इतनी बड़ी बड़ी गालियां विकास को दी कि टीवी चैनल पर नशर भी नहीं की जा सकती इस तरह। तो दोस्तों, ये गालियां देने वाली बात जो होती है सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और लोगों ने इसको हर जगह के शेयर किया और नेहा धुपिया को बहुत बुरा भला कहा कि शो में इस तरह नहीं करना चाहिए था। अगर उसने आपको अपनी रियलिटी के बारे में कुछ बताया है तो आपको उसको जस्ट सुनना चाहिए था, ये ना कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उसने ऐसा किया होगा, और अगली अगर गलत कर रही है तो डेफिनेटली उसको पनिश किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो कॉन्ट्रोवर्सी जो मैं आपको बताने वाला था। आप मुझे अपने अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सही है, नेहा धुपिया ने क्या सही किया जो कि फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हैं, या लड़के ने सही किया। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मोहम्मद बाबर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।